शांति, आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक शिल्पकार था, उसे भगवान की एक अच्छी सी मूर्ति बनानी थी। वो पत्थर की खोज में था, उसे एक अच्छा सा पत्थर दिखाई दिया। उसने सोचा कि मैं इसी पत्थर से भगवान की एक अच्छी सी मूर्ति बनाऊंगा। तो वो उस पत्थर को लेने गया। जैसे ही वो उस पत्थर को लेने गया तो दूसरा पत्थर बोला, अरे भैया मुझे भी ले चलो। तो शिल्पकार ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें भी ले चलता हूँ। तो शिल्पकार उन दोनों पत्थर को अपने साथ ले गया। शिल्पकार जैसे ही पहले पत्थर को तोड़ने गया तो वो रोने लगा और कहने लगा, अरे भैया मुझे मत मारो, मुझे मत तोड़ो, मुझसे ये सब सहन नहीं होता। तो फिर तो शिल्पकार ने कहा, अगर मैं तुम्हें तोड़ूंगा नहीं तो भगवान भगवान की एक अच्छी सी मूर्ति बनाऊंगा कैसे। तो दूसरा पत्थर बोला, अरे भैया मुझसे भगवान की एक अच्छी सी मूर्ति बना लो, उससे सब सहन हो जाता है। तो शिल्पकार ने कहा, ठीक है मैं तुमसे भगवान की एक अच्छी सी मूर्ति बना लूंगा। तो शिल्पकार ने उस पत्थर से भगवान की एक अच्छी सी मूर्ति बनाई। गांव वालों ने उसे मंदिर में रखवाई। लोग रोज आकर उसकी पूजा करते, उस पर फूल चढ़ाते, उसको तिलक लगाते। लेकिन जो दूसरा वाला पत्थर था ना, उस पर लोग नारियल फोड़ते थे। तो वो रोने लगा और बोलने लगा, अरे भैया अरे मुझसे ये सब सहन नहीं होता। तो शिल्पकार ने कहा, अगर तूने ये सब पहले सहन कर लिया होता तो तेरी भी मूर्ति बनती, लोग तेरी भी पूजा करते, मगर पहले तूने ये सब सहन नहीं किया तो तेरी ये हालत है। तो आप तो इस कहानी का सार समझ गए होंगे ना, कि जब जब बड़ों की नज़र किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए हम पर पड़ती है ना, तो हमें अपनी समस्याएं ना देखकर उस श्रेष्ठ कार्य में योगदान देना चाहिए, जिससे हमारा आने वाला जीवन भविष्य में पूजनीय श्रेष्ठ बनता है। अच्छा, धन्यवाद।